मेरे ख्वाबों में तुम आती जाती रहो, खुद भी रहो, खुद भी जागो, मुझे भी जगाती रहो। मेरे ख्वाबों में तुम आती जाती रहो, खुद भी जागो, मुझे भी जगाती रहो। मेरे ख्वाबों में तुम आती जाती रहो, खुद भी जागो, मुझे भी जगाती रहो। मेरे ख्वाबों में तुम आती जाती कर, हुस्न की अपनी मुझ पे तो खैरात कर। खुश्क सहरा हूँ मैं मुझ पे बरसात कर। खुश्क सहरा हूँ मैं मुझ पे बरसात कर, हुस्न अपनी मुझ पे तो खैरात कर। खुश्क सहरा हूँ मैं मुझ पे बरसात। एक ये रोमांटिक सॉन्ग है, इसकी लाइन दो गा के दिखाता हूँ। मेरे ख्वाबों में तुम आती जाती रहो, खुद भी जागो, मुझे भी जगाती रहो। मेरे ख्वाबों में तुम खुद भी जागो, मुझे भी जगाती रहो। मेरे ख्वाबों में तुम आती जाती रहो। मेरा फर्स्ट एल्बम है ये, फर्स्ट बार ये प्लेबैक सिंगर। मैं राजस्थान बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। अब कुछ बनना है तो स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, कुछ करना है तो सब्र, तो सब्र का फल मीठा होता है, तो वही कुछ सीखने का मौका मिलता है। उनको देख देख कर आगे चल रहा हूँ। जैसे बीकानेर राजस्थान में, बीकानेर के राजस्थान मतलब राजा सन हुआ, स्वरूप खान हुआ, उनको देखा देख देख के। म्यूज़िक डायरेक्टर रफ़ीक राजा और राइटर इरशाद अजीज़ और म्यूज़िक अरेंजर राजू छंगाणी जी। तेरा शरबत सा तन मेरा जीने का मन, तेरा शरबत सा तन मेरा जीने का मन। मेरे ख्वाबों में तू आती जाती रहो, खुद भी जागो, मुझे भी जगाती रहो। हाँ, मैं रफ़ीक रज़ा, म्यूज़िक डायरेक्टर, आप सभी को मेरा सलाम और आदाब। आज मैं आपके सामने हूँ, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। हाल ही में एक एल्बम हमारा आने वाला है गुस्ता किया, जिसके सिंगर इरशाद इजहार अजीज़ साहब ने गाया है, बड़ा ही खूबसूरत अपनी आवाज़ से। इसके राइटर हमारे इरशाद अजीज़ साहब हैं, जो काफ़ी ही अच्छी शायरी लिखी है उन्होंने। उस गाने को कंपोज मैंने खुद किया है, उसकी दो लाइनें आपको मैं सुना देता हूँ। मेरे ख्वाबों में तुम आती जाती रहो, मेरे ख्वाबों में तुम आती जाती रहो। आगे इंशाल्लाह ये गाना जब मार्केट में आएगा आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा, और आजकल के माहौल का गाना है, आजकल का अरेंजमेंट हमने किया है, आजकल की लिरिक्स है, और आजकल की इसमें सिंगिंग ज़्यादातर हमने दिखाई है। आजकल ऐसे तो बहुत गाने आते रहते, लेकिन ये गाना आपने क्यों चूज़ किया और सिंगर को? हाँ, इस जैसे इजहार की मैंने जब वॉइस फर्स्ट टाइम जब मैं राजस्थान गया था, सब सुना था, तो मुझे जैसे अरिजीत सिंह अभी गा रहे हैं और आतिफ असलम गा रहे हैं हमारे मार्केट के सिंगर, तो वैसा उनकी आवाज़ में कुछ कशिश लगी थी, तो उसी की आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कंपोजिशन की है, और अच्छी लिरिक्स उनके डैडी इरशाद अजीज़ साहब ने लिखा है। तो आजकल के माहौल के जो गाने अभी चल रहे, उस स्टाइल के ये आज का हमारा गाना है,
और बहुत जल्द ये मार्केट में आपके सामने पेश होने वाले। मैं गुनगुना चुका एक बार आपके लिए और ज़रूर। मेरे ख्वाबों में तुम आती जाती रहो, दर डा रा, मेरे ख्वाबों में तुम आती जाती रहो। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस सॉन्ग को लेकर? मैं तो मेरी काफ़ी उम्मीद है क्योंकि नया लड़का ने गाया है और काफ़ी इजहार से उम्मीद है। मैं चाहता हूँ इजहार का ये पहला गाना दुनिया के सामने आएगा तो एक अच्छा, लोगों को एक नई वॉइस मिलेगी क्योंकि एक नई वॉइस मार्केट को हमने दी है और काफ़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। जैसे बोलते हैं सिंगर तो गाना गाता है लेकिन सबसे बड़ा काम तो म्यूजिक डायरेक्टर का होता है, सराहना, पूरे गाने को सजाना। हाँ, जैसे होता है कि जब गाना बनता है तो सबसे पहले राइटर जो लिखते हैं हमारे, क्या राइटर के बाद म्यूजिक डायरेक्टर उसको सजाता है, फिर उसके बाद सिंगर उसको सजाता है। तो ये सभी की मेहनत है, अरेंजमेंट जो करता है उसकी मेहनत है, राइटर की मेहनत है, म्यूजिक डायरेक्टर की मेहनत है, तो सब की मेहनत एक रंग लाती है। तो इंशाल्लाह इस गाने का भी बड़ा अच्छा रंग आए। इस गाने के बात करें, एल्बम का नाम क्या है जो अभी गाना तैयार किया है? देखिए ये एल्बम गुस्ताख के नाम से तैयार हो रहा है और मौजूदा दौर में जिस तरीके से गीत लिखे जा रहे हैं जिसमें रुमानियत भी बहुत ज़रूरी है, और अगर मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में रूह होना चाहिए, तो मैंने कोशिश की इस नगमे में इसकी रूह ज़िंदा रहे, मोहब्बत की जो एक मयार है वो कायम रहे, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये गीत, ये एल्बम मैं लिख रहा हूँ। किस तरह के मतलब क्या सोच कर एकदम आया जो आपको गाना अगर लिखा आपने तो क्या कुछ आइडिया होगा दिमाग में कि मतलब एक सोच रहती है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि शायर दर्द, शायर के पास सबसे पहले बड़ी दौलत होती है उसके पास उसका दर्द, और वो दर्द उसका खुद का भी होता है और ज़माने का भी होता है, और शायर जब लिखता है तो ज़माने के दर्द को अपना बना लेता है और अपनी कलम की स्याही में अपने आंसुओं को डुबो कर लिखता है, तब जाके कुछ अच्छे नगमे गज़लें जो हमारे दिलों में घर कर जाती हैं। कोशिश की है इसी तरह के नगमे लिखने की। क्या लड़का पूरा कर पाएगा आपका सपना जो एक राइटर का, एक बच्चे की तरह होते हैं स्टोरी जो होती है जो भी है गाने की, कर पाएगा पूरा आपको लगता है? मुझे उम्मीद है क्योंकि मैंने बेटे के जब रुझान उस तरफ देखा है तो मुझे लगा कि बेटे के लिए एक एल्बम मुझे लिखना चाहिए, गाने लिखना चाहिए, तो बस यही मद्देनज़र रखते हुए मैंने नगमे लिखे हैं और अब आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचेगा तो देखते हैं इंशाल्लाह। गुस्ताखियाँ जब एल्बम आपके ज़रिए मार्केट में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि नई आवाज़ को लोग पसंद करेंगे, और जिस तरीके से मैंने शायरी के मायार को कायम रखते हुए कहा है उसे भी इंशाल्लाह पसंद करेंगे लोग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार छंगानी, राजस्थान बीकानेर से हूँ। ये एल्बम हमारे बीकानेर के मशहूर शायर इरजाद अजीज साहब ने लिखा है, और इस गाने की जो धुन रफ़ीक राजा साहब ने बनाई है तो सिंगर हमारे इजहार साहब ने इनको गाया है, तो मेरे को लगा ये गाना बहुत अच्छा है, इसका कंपोजिशन बहुत बढ़िया बना है, तो बॉम्बे में अब किया है, इसका वीडियो भी करेंगे, प्रयास है लड़का मार्केट में आए, नई आवाज है, उम्मीद है। सेकंड ले लो से। खुश्क सहरा हूँ